गुड मॉर्निंग खमंजनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और वही रूटीन मेरा शुरू हो गया जो पहले था। बहुत दिनों बाद इस रूटीन पे आई हूँ। और अभी बस सुबह सुबह आज मैं ना उठी, मुझे बड़ी मौत आई, मुझे इतनी मौत आई उठने में, मन नहीं कर रहा था उठने को, क्योंकि इतने दिन से हो गया कि मैं 5 बजे उठना मेरा बंद ही हो गया था। मैं उठ रही थी 6 बजे, 6:15, 6:30, 6:15, 6:30। और बस अभी मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। और मेरे ना चादरें धोने वाली होगी तो बाहर लाऊंगी, पहले मशीन लगाऊंगी चादर धोने के लिए लगाऊंगी। फुली ऑटोमेटिक है तो चादरें लगा के छोड़ दूंगी ना, तो 1-2 घंटे में अच्छे से चादर धुल जाएगी और ड्राई भी हो जाएगी। और कल मैं गई थी मार्केट, मेरे जो जूते हैं ना डेली मॉर्निंग वॉक वाले, उसमें क्या हुआ है कि वो पीछे का जो एडी होती है ना, वहाँ से वो उखड़ गए, जबकि जूते नए हैं पर उखड़ गए हैं। तो पतिदेव एक चिपकाने के लिए वो एक बॉटल लाए हैं जो है, उसमें बोले डाल के ऐसे चिपका देगी ना वो पीछे की साइड, तो वो चिपक जाएंगे। और मैं कल लेके गई थी मोची के पास ताकि उसको गठवा लूँ। एकदम नए जूते हैं, बहुत कम पहने हुए हैं, पर मोची मुझे मिला ही नहीं। और जिन मैं सीधा वही गई थी भास्कर चौराहे पे, वहाँ पे एक भैया हैं जिनको पैर में प्रॉब्लम है, तो हम लोग वैसे तो जूते कोई ज़्यादा कोई काम करवाते नहीं है, पर करवाते हैं तो सिर्फ उन्हीं से करवाते हैं ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए बस। तो चलिए सबसे पहले मैं जूते का वो काम करती हूँ, उसके बाद मशीन लगाऊंगी। और अभी मैं आ गई हूँ जूते चिपकाने के लिए। और अब तक आपने ब्लॉग देखा, उसमें आपने कुछ नोटिस किया या नहीं, आपको क्या कुछ अजीब लगा? तो अगर नहीं लगा तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हुई। मतलब मुझे जब मालूम चला ना, मुझे बड़ी शर्म आई, यार ये क्या कर दिया, मतलब बहुत ही अजीब लगा। और आज तक सच में ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है, और ये मुझे मालूम भी नहीं चला, ये तो पतिदेव ने नोटिस किया। तो क्या हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जूते चिपका रही हूँ, और जूते एकदम नए हैं, बहुत ही कम पहने हुए हैं, लेकिन ये पीछे की साइड से पता नहीं क्यों उखड़ गए हैं काफ़ी। हालांकि लिए हुए तो उसको शायद 1.5-2 साल हो गए, लेकिन ज़्यादा पहने नहीं हैं, पड़े थे पहले, मेरे पास दूसरे जूते थे तो मैं इनको पहनती नहीं थी। तो बस जूते चिपका के, और बहुत जल्दी चिपक जाते हैं, 5 से 10 मिनट में बहुत ही अच्छे से चिपक जाते हैं। तो इनको चिपका के मैं चादर धोने के लिए लगाऊंगी और मशीन ऑन करके चली जाऊंगी, वापस आऊंगी जब तक चादरें धुल जाएगी। और ये देखो रिन लिक्विड मैंने लिया है, एरियल, सॉरी रिन बोल रही हूँ, एरियल लिक्विड। ये मेरे 1 किलो एरियल का जो सर्फ आता है ना, उसके साथ में ये फ्री आया था, तो बस ये डालूंगी और मशीन लगा दूंगी कपड़े धोने के लिए। और बस जूते चिपका लिए, मशीन में चादरें डाल दी, अभी बस पियेंगे चाय। और कल हम एग्जीबिशन में गए थे ना, वहाँ से ये वाले पोहा लेके आए थे, क्या है लिटिल मिल्टन्स मिलिट, मिलिट कुछ है ये, क्या है लिटिल मिलिट, ये है वो अनपॉलिश पोहा। तो मैंने कभी ऐसा ट्राई किया नहीं है इस टाइप के पोहा, लेकिन आज ब्रेकफास्ट में बना के देखते हैं कैसे बनते हैं क्या है। और मैं ना ऐसी नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए खाने पीने की विशेष करके थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड रहती हूँ। मैं तो फिर भी क्या खा लेती हूँ, लेकिन इनको ना बड़े नाटक आते हैं, फिर ये अगर नहीं पसंद आया तो भले ही उसको फेंक दो, पर ये नहीं खाएंगे। और मुझे फेंकना बहुत ख़राब लगता है, और अकेले के लिए मैं बना नहीं सकती, तो मैं नई नई चीज़ें ट्राई करने से पहले सोचती हूँ कि ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे, खासकर खाने की चीज़। बाकी तो कुछ और हो जो सिर्फ मेरे अकेले के लिए हो तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। चलिए जी, चाय वाय पी के निकल गए हैं, और अब बस जाएंगे। और बड़ी जोर आ रहा, बड़ा ही जोर आ रहा, पता नहीं लास्ट कब गई थी मैं, 11-12 को कब गई थी, काफ़ी दिन हो गए, बड़ी थकान लग रही है। मतलब अगर ये नहीं होता ना कि हाँ वर्कआउट करना ज़रूरी है, तो मैं सो जाती वापस, इतना आलस आ रहा है मेरे को।
लेकिन जाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत दिन नहीं गए ना, तो मेरी कमर में दर्द भी होने लग गया। तो आज थोड़ी सी वॉक करेंगे या फिर देखेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे या खाली वॉक करके आएंगे, लेकिन करेंगे शुरू ज़रूर। नहीं शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमें आलस बढ़ता ही जाएगा, और आलस बढ़ाना नहीं है। तो जी हमने वॉक शुरू कर दी है, और अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या अजीब हरकत की है जो पतिदेव ने नोटिस की है। 3 राउंड ख़त्म होने वाले हैं तब, तो पहले आप देख लीजिए कि ये क्या है। ये देख सकते हैं पीछे की साइड उल्टी टी शर्ट मेरी। तो जी देख लिया आपने, मैंने पहनी आज उल्टी टी शर्ट, और हमारे 3 राउंड पूरे हो गए, 3रा ख़त्म हो रहा है, जब मुझे मालूम चला है कि मैं उल्टी टी शर्ट पहन के आई हूँ। और मेरे साथ ये पहली बार हुआ है, कभी नहीं होता। तो जी घर पे आ गए हैं और नाश्ता बनाने लगी हूँ। जो हम ये पोहा लेके आए थे ना, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कैसा बनता है, क्या करना पड़ता है। बाकी मैंने इसको कटोरी में निकाला ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ओट्स होते हैं ना, वैसा लग रहा है। तो देखते हैं कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, थोड़े से बनाऊंगी बिल्कुल। और आज जो मैंने किया ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। पहली बार हुआ मेरे साथ कि मैं उल्टी टी शर्ट पहन के चली गई और पूरी वॉक कर ली, उसके बाद में मालूम चला कि मैं उल्टी टी शर्ट पहन के आई हूँ। सोचो कितने लोगों ने देखा होगा कि कैसी बेवकूफ औरत है जो उल्टी टी शर्ट पहन के आ गई। और मैं हमेशा दूसरों को देखती हूँ तो सोचती हूँ यार कैसे पहन सकता है कोई उल्टी टी शर्ट, क्योंकि कपड़े पहनने से पहले हम देखते हैं आगे पीछे का साइड सब कुछ। पर पता नहीं आज क्यों हुआ मेरे साथ, पर हो गया। बड़ा खतरनाक था, जैसे मुझे मालूम चला ना मेरी हंस हंस की हालत खराब थी। तो बाकी रेसिपी तो सेम ही रहेगी इस पोहे की, मूंगफली फ्राई करूंगी, प्याज हरी मिर्ची सब करूंगी और उसको भिगो के डालूंगी। तो देखते हैं कैसा बनता है। बोलते हैं हेल्दी है, अब हेल्दी है नहीं है रेसिपी मुझे मालूम नहीं है बस। तो जी ये जो पोहे हैं, ये ऐसा लग रहा है मैंने बना लिया उपमा इसका, या उपमा बोल सकते हो या नमकीन दलिया बोल सकते हो, क्योंकि या तो मुझे ये समझ में नहीं आया या फिर इसकी रेसिपी समझ में नहीं आई। तो आज दिन में पहले मैं आराम से YouTube पे सर्च करूंगी इसकी रेसिपी, क्योंकि जो फोटो में दिखाया हुआ ना वो तो पूरा शानदार पोहा जैसा पोहा दिखाया हुआ है। तो सर्च करेंगे फिर बनाएंगे, लेकिन आज बना लिया, देखते हैं कैसा क्या होता है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। हाँ जी ले आएंगे खाखरा बिस्किट मठरी। तो जी ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। और नाश्ते का अगर मैं आपको बताऊँ कि रूप रंग में तो ये ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगे बनने के बाद में, क्योंकि ओट्स समझ लो मसाला ओट्स बना लिए या फिर समझ लो उपमा जैसा दलिया जैसा लग रहा था, लेकिन खाने में अच्छा लगा। हालांकि इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं है, लेकिन मैंने जो मसाले वसाले डाले नींबू वींबू डाला ना, तो ये खाने में थोड़े टेस्टी लगे। लेकिन पोहा बोल के जो बेच रहे हैं वैसे पोहा जैसा तो कुछ नहीं है। हो सकता है मुझे बनाना नहीं आया हो, क्योंकि मुझे इसकी रेसिपी मालूम नहीं थी और पैकेट पे भी कोई रेसिपी लिखी हुई नहीं थी। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, फिर बताऊँगी कैसे बने। तो जी बर्तन साफ़ कर लिए हैं मैंने, और बस अभी बनाने के लिए आ गई हूँ रोटी। और रूटीन हमारा शुरू हो गया है, और मुझे इस पूरे रूटीन में सबसे अच्छी बात लगती है कि हम वॉक पे जाना शुरू हो गए। मतलब इतनी हैबिट है ना, मैं गंदी नहीं बोलूँगी, मैं बोलने वाली थी इतनी गंदी हैबिट नहीं है, अच्छी हैबिट है कि हम लोग वॉक पे जाते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, खासकर मैं ये समझती हूँ, एक तो ना वॉक पे जाते हैं ना आपका बॉडी आपका माइंड एकदम सही रहता है, आपका जो दिमाग है ना वो बहुत अच्छे से काम करता है, और आप में ना एक एनर्जी रहती है। आप मानोगे नहीं, इतने दिन से ना मुझे बड़ा आलस आता था, जबकि आज उठी जब मुझे आलस आया था, नींद भी आ रही थी, मैं चाहती तो अलार्म बंद करके वापस सो सकती थी। मैंने कहा नहीं, इतने दिन से रूटीन ख़राब हो रखा है, आज तो मुझे अपना रूटीन पटरी पे लाना ही है। तो मैं उठी, नहाई, जो सेम मंदिर जाना सारा काम करना वो सब किया, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और वॉक पे गए, वॉक पे जाने का भी मन नहीं था, आलस आ रहा था, लेकिन मैंने पतिदेव बोले कि अगर तेरे को नींद आ रही थी तो वापस हो जाती। मैंने कहा नहीं, शुरू करना है तो शुरू करना ही है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि पतला होना नहीं होना वो सब बात की बात है, वर्कआउट करो आप अपने माइंड के लिए अपनी बॉडी के लिए। तो
तो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं स्लिम ट्रिम हो जाऊँ, मुझे भी मालूम है कि मेरा जो स्ट्रक्चर है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, वो स्लिम ट्रिम होने वाला नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं फिट हूँ, मैं पूरे दिन काम करती हूँ, फुल एनर्जी रहती है, थकती नहीं हूँ, मेरा माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, और सबसे अच्छी बात कि फ्रेश एयर रहते हैं हम लोग जो गार्डन में जाते हैं ना, और वहाँ पेड़ पौधों की, नीम के पेड़ की जो खुशबू आती है ना, मज़ा आ जाता है। अशोक उद्यान के अंदर और बाहर में ही इतना फर्क आ जाता है वहाँ की एयर में, वहाँ की हवा में। तो बस हो गया आज का ध्यान खत्म, इतना ही था। ओहो, फॉयल पेपर नहीं था, मेरा फॉयल पेपर ख़त्म हो रखा है। अब पति की रोटी कैसे पैक करूँगी, तो बस यही सब है। आप लोग भी शुरू करो, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे ब्लॉग में कि अगर आप लोग कुछ नहीं करते हो अपनी बॉडी के लिए, तो कुछ भी करो, योगा करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, जिम करो, पर करो। और बस अभी बनाएंगे रोटी और करेंगे काम। और हमारे जो डॉक्टर अंकल है वो गए थे अजमेर, अजमेर से वो लेके आए छोटे छोटे गुलाब जामुन, आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे हैं, कांच की गोली होती है ना, वो कंचे खेलते हैं उतने छोटे छोटे गुलाब जामुन हैं, तो वो लेके आए हैं। और मैं ना मुंबई गई थी ना, उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं मुंबई से वापस आने के बाद मीठा बिल्कुल बंद कर दूंगी, क्योंकि मैंने एक रील में देखा था कि अगर आप मीठा छोड़ दे तो ना 10-15 दिन तो आपके फेस पे जितना भी फैट है वो कम हो जाता है। मैंने सोचा था मुंबई से आने के बाद मीठा बिल्कुल बंद कर दूंगी, कुछ नहीं खाऊंगी, पर ये मुझे छोड़ने नहीं देते कि नहीं, मोटा मोटा ही मुँह अच्छा लगता है। तो बस सोचती सोचती रहती हूँ, और जब मैं कुछ सोचती हूँ कि अब मैं नहीं करूँगी, उसी वक्त फिर कुछ ऐसा होगा कि मुझे अपने जो बात है ना उसे पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ पर खाना नहीं छोड़ सकती, और मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो चलिए बकर बकर नहीं करते हैं, फटाफट रोटी बना लेते हैं। और आप लोग बताइएगा किसको मीठा ज़्यादा पसंद है, किसको बहुत ज़्यादा मन करता है, मीठे की क्रेविंग होती है, मुझे होती है। घर में मीठा नहीं होना जब तो मैं सौंफ खाती हूँ, और मीठा हो तो फिर मैं मीठा ही खाती हूँ, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मीठा ना लाएं घर में, क्योंकि होता है जब तो फिर कंट्रोल नहीं होता। और आप लोग बताइएगा मुंह को पतला करने की कोई एक्सरसाइज, कुछ ऐसी टिप्स, या मीठा खाने से मुंह पतला होता है, आप लोगों ने किया है तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर ऐसा होता ना कि मुंह एक्सचेंज कर सकते हैं, तो मैं अपने मुंह पे ना बकरी का मुंह लगा लेती, बकरी का मुंह ऐसा होता फिर मेरा मुंह भी पतला हो जाता। बहुत ही गंदा जोक था, हंसी आई तो आप हंस सकते हो, क्योंकि हंसना बहुत अच्छा होता है अपनी हेल्थ के लिए। लेकिन हाँ यार, मैं मतलब यूं ऐसे करती रहती हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरा तो। तेरी आई मैं मर जावां, जिंदगी नाल तेरे कर जावां सोनिया सोनिया, तेरी आई मैं मर जावां, जिंदगी नाल तेरे। तो जी रोटी वोटी बना के मैंने टिफिन पैक कर दिया है, और अभी बस गैस साफ करूँगी, स्लैब साफ करूँगी, सिंक साफ करूँगी, और बर्तन साफ करूँगी, सब कुछ साफ करूँगी, और डस्टिंग करेंगे, झाड़ू पोछे करेंगे, और आज का करेंगे काम। और मैंने जो बनाए ना मिलेट्स के पोहा, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं बने तो गंदे भी नहीं बने, ठीक ठाक बने, लेकिन मैं ना YouTube पे पहले उसकी 2-3 रेसिपी देखूंगी कैसे क्या है, तो बना करके देखूंगी फिर अच्छे बनते हैं नहीं बनते। और आप लोग बनाते हो ना तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी क्या है, आप लोग कैसे बनाते हो। तो जी अभी मैं करूँगी किचन साफ, और फिर मैं निकालूँगी झाड़ू, और मैं सोच रही हूँ मैं ब्लॉगिंग से छुट्टी ले लूँ, कुछ ब्लॉग नहीं बनाऊँ, मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट छुट्टी ले रही हूँ या परमानेंट ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, मतलब
मेरे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, और अभी पतिदेव से बात हुई तो वो भी बोल रहा है हो सकता है तेरे को वो वायरल बुखार हो गया जो अभी चल रहा है, कि आपको हाथ पैर गर्म नहीं होते लेकिन आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स होते हैं ना वो बुखार जैसे लग रहा है। मुझे नहीं मालूम ये बुखार है या नहीं है, लेकिन सिम्टम्स पूरे बुखार वाले, मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, काम करने को मन नहीं कर रहा, तो घर का काम करने को मन नहीं कर रहा, तो ऐसे में ना ब्लॉग बनाना, एडिट करना, अपलोड करना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉगिंग से छुट्टी ले लूँ, कुछ दिन ब्लॉग ना बनाऊँ, अपलोड ना करूँ, और जो एक दो पड़े हैं वो अपलोड कर दूँगी, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मैं आज पूरे दिन में टैबलेट लूँगी, अगर मेरी शाम तक तबीयत ठीक हो गई तो फिर मैं कल ब्लॉग बनाऊँगी भी, अपलोड भी करूँगी, बाकी देखते हैं कल क्या होता है। तो जी नींद लेके उठ गई हूँ, और दोपहर में बस झाड़ू पोछे किए, उसके बाद कपड़े धोए, नहाई, खाना खाया, और ब्लॉग अपलोड किया, और दूसरे चैनल के लिए जो नया चैनल है उसके लिए ब्लॉग एडिट किया, फिर उसमें अपलोड किया, और फिर बस मैं खाना खा के सोई। और इतनी ख़तरनाक नींद आई, एक तो काफ़ी दिनों बाद मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, और उसके बाद ना आज काफ़ी दिनों बाद वॉक पे गए तो थकान बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतनी थकान थी ना कि मतलब मेरी दोपहर में अभी उठी ना तो मेरी नींद तो चलो खुल गई, एक घंटे सवा घंटे की मुझे नींद आ गई, नींद खुलने के बाद भी ना बॉडी ऐसे बोल रही है अभी तू उठ मत, तू पड़ी रह, बिल्कुल इतनी कम एनर्जी थी मेरे अंदर, उठने की हिम्मत ही नहीं थी। पर अब कल सुबह जो ब्लॉग नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मैं डालूंगी उसको मुझे एडिट करना है, वो करूंगी, और अभी देखती हूँ मेरे लिए चाय बनाऊँ, कॉफ़ी बनाऊँ, दूध पीऊँ, क्योंकि मेरे पतिदेव चिढ़ते हैं मुझ पर कि तू दूध क्यों नहीं पीती, और रात को दूध पीते हैं ना तो ना मैं पूरी रात सो नहीं पाती, वॉशरूम के चक्कर निकालती हूँ अगर मैं रात को सोते टाइम दूध पीती हूँ तो। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने पिया था, मैं पूरी रात परेशान रही, 2-3 बार मेरी आँख खुल गई, तो अब मैं सोच रही हूँ अभी पी लूँ, फिर मैं सोच रही हूँ शाम को मैंगो शेक बनाऊँगी तो मैंगो शेक में भी दूध जाएगा ही, तो अभी मैं चाय पी लूँ, तो अभी देखते हैं। और डिनर में आज कुछ नहीं बनाएंगे, आज ना बनाएंगे परांठे, अचार पड़ा है कैरी का, इंस्टेंट अचार पड़ा है, जो मैंने दूसरा अचार डाला था वो पड़ा है, कैरी का मुरब्बा पड़ा है, मिर्ची का अचार पड़ा है, तो हम सिर्फ गरम गरम परांठे बनाएंगे, और अचार, परांठा, मुरब्बा, ये सब हमारा आज डिनर रहेगा। आज एकदम सिंपल सा बस डिनर है, कुछ भी स्पेशल नहीं करूँगी, और उसके बाद कल बनाऊंगी, क्योंकि आज है 30 जुलाई, है ना, हाँ 30 जुलाई, कल है 31 जुलाई, तो 31 जुलाई को है मेरे नीतू चौहान ब्लॉग्स का हैप्पी वाला बर्थडे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल कुछ स्पेशल बनाऊँ। अब स्पेशल क्या बनाऊँगी वो पतिदेव को पूछूँगी, क्योंकि मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ लेकिन वो है ना सब चीज़ें नहीं खाते, नाटक करता है ये मुझे पसंद नहीं, ये नहीं है, फिर वो मैं बनाऊँ और वो नहीं खाए ना तो मुझे लगता है मैंने इतनी मेहनत है ना व्यर्थ की। कोई मन से खाता है ना तो आपको बनाने में भी मज़ा आता है, तो मैं उनसे पूछूंगी क्या बनाऊँ, वो बोलेंगे वही बनाऊँगी, और या फिर हो सकता है कि हम बाहर डिनर पर चले जाएँ, कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता, जाते हैं कि नहीं जाते। लेकिन कल मेरे नीतू चौहान ब्लॉग्स को 4 साल पूरे हो जाएंगे, कल है 31 जुलाई, आज है 30 जुलाई, और ये ब्लॉग आप 31 जुलाई को ही देखोगे क्योंकि मैं 31 जुलाई को ही अपलोड करने वाली हूँ। तो बस अपना प्यार बनाए रखिएगा, और मेरा नया चैनल भी भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है, तो चलिए चलते हैं किचन में देखते हैं। दूध तो मैं सोच रही हूँ नहीं पीऊँगी क्योंकि मैंगो शेक पीऊँगी शाम को, तो मैंगो शेक में तो आपको मालूम है दूध जाएगा ही जाएगा, तो अभी तो अच्छी से चाय पीती हूँ। पता नहीं यार क्यों इन दिनों ना बहुत ज़्यादा मेरी एनर्जी लेवल है ना बहुत कम हो रखा है, अब ये भी हो सकता है कि मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि मुंबई में ऐसा तो हमने कोई हल जोता नहीं कि हमारा वो इतनी थकान हो गई कि हमारी थकान उतर ही नहीं गई, भाई मुंबई की भी कितनी थकान होगी, ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं, रात को प्रॉपर नींद लेते थे, लेकिन जब से मैं वहां से आई ना मेरे में बहुत कम एनर्जी है, जबरदस्ती कहते हैं ना धक्के मार रही हूँ मैं अपने आप को बस, क्योंकि मुझे काम करना है, मैं छोड़ नहीं सकती, कोई भी काम नहीं छोड़ सकती, ना घर का काम छोड़ सकती हूँ, ना यूट्यूब का काम छोड़ सकती हूँ, मुझे सारे काम करने हैं, पर बहुत मुश्किल से अपने आप को नहीं बस जा 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 करते। तो चलिए पहले चलते हैं किचन में देखते हैं क्या पीते हैं, चाय, कॉफ़ी। और ये जो शर्ट है ना ये सनी जी लाए थे, हर्षू और हर्षू के पापा के लिए, दोनों में से किसी को आएगा,
लेकिन किसी को भी नहीं आया, तो ये शर्ट उनको वापस देना है। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर सुबह थोड़ी सी एनर्जी थी, मतलब साफ़ सफाई के लिए तो मैं एनर्जी जुटा ही लेती हूँ, ये वाली ड्रॉर साफ़ की थी, ये पतिदेव की ड्रॉर्स है, उसमें कुछ हमारे जो आधार कार्ड ये सब रहते हैं, और इसके बाद ये नीचे वाली ड्रॉर्स, इसमें है ना हमारी वॉच और सनग्लासेस और दूसरे चश्मे जो वो सब रहते हैं, तो इन दोनों को क्लीन किया। ये दोनों ना मुझे साफ़ करने नहीं देते, कभी भी मैं बोलती हूँ ना साफ़ कर दे, बोले नहीं इसको छोड़ दे, नहीं इसको छोड़ दे। तो जी डिसाइड हो गया है कि दूध काफ़ी सारा पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ दूध ही पी लेती हूँ यार। बात तो वो सही कह रहे हैं कि दूध नहीं पिएगी ना तो आगे जाने वाला टाइम में ना हड्डियाँ चरमरा जाएगी, तो दूध पिएंगे, मन तो नहीं कर रहा सच बताओ ना मेरा, दूध मतलब मुझे पसंद भी नहीं है तो नफरत भी नहीं है, ठीक है ज़बरदस्ती कोई करता तो पी लेते हैं। तो बस अभी दूध गर्म करूँगी और इसके अंदर मैं डालूँगी गुड़, चीनी नहीं डालूंगी, गुड़ डाल के दूध पी लूँगी, और लहसुन छीलूँगी, लहसुन ना सुबह के लिए, और सुबह देखती हूँ फली की सब्जी बनाती हूँ या अरबी की सब्जी बनाती हूँ, फली तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि फली आज सुबह मैंने काचरी मिर्ची बनाई थी, अब कल सुबह उनको फली काचरी दूंगी तो ये बोलेंगे आज तूने काचरी मिर्ची दी है कल तू फली काचरी दे रही है, तो या तो अरबी बनाऊँगी या करेले बनाऊँगी, तो वो भी फिर अरबी तो सुबह हैंड टू हैंड छील के बना दूंगी, करेले भी सुबह छील के बना दूंगी भरवा करेले। और बस यही है आज तो, ऐसा कुछ भी खास नहीं किया आज तो मैंने, जो नॉर्मल घर जैसा घर का काम करती हूँ वही काम किया और बस आराम किया। और आप लोग बताइएगा ये मौसम ऐसा है क्या कि इस मौसम में है ना आलस आता है, हो सकता है ना कई बार मौसम चेंज होता तब भी हमारी जो बॉडी है ना हमारा शरीर है ना बड़ा आलसी आलसी लगता है, और मेरा एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया यार, क्यों पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा कि मेरे को काम करने को मन नहीं करता, जबकि मैं ऐसी हूँ मुझे काम करना बहुत पसंद था और अभी मैं बहुत ज्यादा आलसी सी हो गई हूँ। और क्या होता है ना कि आपके घर में कोई और होता है ना सदस्य काम करने वाला, जब तो आप एक टाइम सोच भी लो यार कोई बात नहीं आज तबीयत ठीक नहीं है अच्छा नहीं लग रहा तो कोई हेल्प कर देगा, कोई खाना बना देगा, कोई कुछ कर देगा, जब आपको मालूम है कि आप ही हो जो भी करोगे, कम करना ज्यादा करना अच्छा करना बुरा करना आपको ही करना है, तो फिर और भी ज्यादा माइंड है ना यहाँ पे यार कौन करेगा यार मुझे ही करना है चलो उठ जाओ, तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है यार, क्यों ही हो रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब मैं ना इनको ज्यादा बोलती भी नहीं हूँ कि मेरे को ना थकान लगती है मुझे काम करने को मन नहीं करता, मैंने कहा फिर ये है ना फिर थोड़े से बुझे बुझे से हो जाते हैं कि हाँ यार इनको चिंता होने लगती है, और तो और मतलब नॉर्मल लगे ना तो ये ऑफिस से ज्यादा फोन नहीं करते मुझे, दिन में एक आध फोन किया नहीं तो नहीं करेंगे, और जब उनको पता होता है ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो फिर वो ना मुझे दिन में 3 बार 4 बार फोन करते रहते हैं, और वो ही फोन मुझे फिर इरिटेट भी करता है कि अगर मैं काम कर रही हूँ और मैं कहीं किसी कोने में और फोन इस कोने पड़ा है तो मुझे वहां से यहाँ आना पड़ता है, तो फिर मैं गुस्सा भी कर देती हूँ क्या साथ में फोन करते हो, लेकिन फिर उनको चिंता होती है कि ये अकेली है, उनको ये भी मालूम है कि ये अकेली है इसका मन नहीं लगता ये बच्चों को मिस करती है सब मालूम है, फिर वो मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखने लग जाता है। तो चलिए जिस चाय क्या दूध गर्म कर लेते हैं, दूध पीते हैं, लहसुन छीलते हैं और इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा आगे क्या ही दिखाऊँ, कुछ तो करने वाली नहीं हूँ मैं, यहाँ से उठ के सोफे पर जाके बैठ जाऊँगी, पतिदेव आएंगे तो फिर गर्म गर्म पराठे बनाएंगे और मैं कुछ खाने वाली हूँ नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या ही करूँगी। और ये देख लो आप बर्तन भी दोपहर में लंच किया ना छाछ पी वो सब बर्तन पड़े हैं यहाँ पे, और दूध के साथ मैं खाऊंगी ये मठरी जो हम एग्जीबिशन से लेके आए थे, अच्छी है यार टेस्टी है, मैंने सोचा नहीं था इतनी टेस्टी होगी लेकिन खाने में बहुत अच्छी है ये मठरी, जबकि मेथी मठरी मैंने पहले भी खाई हुई है बहुत बार, इसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है, खाने में इतनी सॉफ्ट है अच्छी है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ हैप्पी हैप्पी मूड, कहते हैं ना किसी किसी का मूड हैप्पी होता है किसी अच्छा खाए, मेरा भी होता है सेम सानू का भी है वो अच्छा अच्छा खाती है उसका मूड अच्छा हो जाता है। तो बस और ये वाले बिस्किट लाइट थे ओट्स बिस्किट, ये भी अच्छे हैं खाने में टेस्टी हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं आज डिनर नहीं करूँगी बस ये खा लूँगी, क्योंकि डिनर करने का मन नहीं है तो डिनर नहीं करूँगी,
और बस बिस्किट खाऊंगी, दूध पीऊंगी, रात को मैंगो शेक बनाऊंगी तो वो पी लूंगी। और आज तो हमारा नेट भी नहीं चल रहा, पता नहीं नेट वाले को क्या प्रॉब्लम है, कभी कभी ना नेट बहुत खून पीता है, बहुत ज़्यादा गायब हो जाता है घंटों घंटों तक, तो नेट की प्रॉब्लम है। आप देखो उसको कॉल करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है भाई, कब तक आएगा, या लाइट गायब या नेट गायब, नाइट गायब, या तो लाइट गायब या नेट गायब, कुछ ना कुछ तो गायब ही रहता है यहाँ पे।